हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी के बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्तों की रेसिपी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और हमें चाहिए बेसन। एक गमले में अब हम बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल देंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसमें डाल देंगे अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें अब हम डाल देंगे बेसन। इसे अब हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर के भी इसे मिला सकते हैं। इसमें डाल देंगे अब हम स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से अब हम इसे मिला लेंगे। इनके अब हम ऐसे गोल गोल करके कोफ्ते बना लेंगे। आप अपने मर्ज़ी के अनुसार इसे कोई भी शेप में कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इन्हें आप ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, वरना ये जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, मैंने मीडियम साइज़ के ऐसे गोल गोल कोफ्ते बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे हमारे बनाए हुए कोफ्ते और इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम से लो में रखेंगे और इन्हें ऐसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे फ्राइड कोफ्ते बनके तैयार है। अब इनके ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तब हम तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तीन चार लौंग की कलियां डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा और दो तेज पत्ते। इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे अब हम बारीक कटा हुआ प्याज, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे अब हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे ढककर हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। जब पानी में हमारे उबाल आ जाए, ये देखिए, तब हम इसमें बनाए हुए फ्राइड कोफ्ते डाल देंगे। और इसे ढककर पका लेंगे और बस लीजिए, हमारे इतने आसानी से पत्ता गोभी के कोफ्ते बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।